उरी में भारतीय सेना ने नाकाम की घुसपैठ, 10 से 15 आतंकी कर रहे थे घुसपैठ की कोशिश, पाक सेना ने की थी कवर फायरिंग। उरी के लांचीपुरा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी, अब भी जारी है गोलीबारी। हंदवाड़ा के नौगांव में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़, सेना का एक जवान शहीद। नौगांव में अभी मुठभेड़ जारी, 4 से 5 की संख्या में हो सकते हैं आतंकी। उरी सेक्टर में बढ़ाए गए सैन्य बल, एलओसी के करीब देखी गई आतंकी जत्थे की गतिविधि। उरी में आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी, पीएम मोदी ने आज बुलाई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। कैबिनेट की बैठक में रफेल लड़ाकू विमान सौदे पर लग सकती है मुहर, फ्रांस से 36 रफेल विमानों की होनी है खरीद। यूएन में नवाज के मिशन कश्मीर को लगा झटका, नवाज के भाषण से ठीक पहले ओबामा ने इशारों में पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। यूएन में अपने आखिरी भाषण में बराक ओबामा ने चरम पंथ पर जताई चिंता, कहा प्रॉक्सी वॉर में शामिल राष्ट्र से खत्म करें। आतंकी हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान की सीना जोरी, आज यूएन में कश्मीर मुद्दा उछालने की तैयारी में नवाज शरीफ। उरी हमले के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश, दक्षिण एशिया के कई देश भारत के साथ आए। बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान भारत के संपर्क में, पाकिस्तान में होने वाले 60 सम्मेलन का कर सकते हैं बायकॉट। उरी में आतंकी हमले के बाद भारत को मिला फ्रांस का साथ, फ्रांसीसी राजदूत ने कहा आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम भारत के साथ। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिला जर्मनी का साथ, जर्मनी के विदेश मंत्री फ्रैंक वॉल्टर ने कहा हम भारत के साथ हैं। आतंक के खिलाफ भारत को अफगानिस्तान का मिला समर्थन, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उरी हमले पर सेना से मांगी विस्तृत रिपोर्ट, बिना चुनौती के आतंकियों के घुसपैठ करने से चिंतित हैं रक्षा मंत्री। सेना ने हमले पर शुरुआती जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, हमले में शहीद हुए थे 18 जवान। उरी हमले की शुरू हुई जांच, एनआईए ने दर्ज किया केस, लिए गए आतंकियों के फिंगरप्रिंट और ब्लड सैंपल। बरामद हथियार, जीपीएस और नेविगेशन मैप एनआईए को सौंपी सेना, सामान की होगी फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच के लिए अमेरिका भेजे जाएंगे सैटेलाइट डिवाइस और जीपीएस, जरूरत पड़ने पर विश्व संगठनों के सामने भी रखे जाएंगे सबूत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उरी हमले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा इवेंट मैनेजमेंट से नहीं जीती जाती लड़ाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा 9 साल में हमने कश्मीर में आतंकवाद को खत्म कर दिया था, बीजेपी पीडीपी की राजनीति में ने घाटी में आतंक के दरवाजे खोले। उरी आतंकी हमले पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा आप चुप क्यों हैं प्रधानमंत्री। उरी हमले के बाद पाकिस्तान की परमाणु युद्ध की धमकी पर बोले राम माधव, ब्लैकमेल का डर नहीं, दुनिया के सामने करेंगे एक्सपोज। उरी हमले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा डिप्लोमेसी और कार्रवाई साथ साथ चलेगी। पुंछ में स्थानीय युवकों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, उरी हमले के विरोध में की नारेबाजी। हाजीपुर में विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने सरकार से की अपील, सरकार चाहे तो फौज में जाने को तैयार है छात्राएं, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नालंदा में उरी हमले के विरोध में बजरंग दल ने किया विरोध मार्च, पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की शव यात्रा निकाली। दरभंगा में उरी हमले के शहीदों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगे नारे। छपरा में शहीदों के सम्मान में कैंडल मार्च का आयोजन, सरकार से की गई पाक पर कार्रवाई की मांग। गोंडा में शहीदों को अनोखी श्रद्धांजलि, 200 मीटर लंबा तिरंगा ले सड़क पर उतरे लोग। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में लोगों ने उरी हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, नाराज लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का फूंका पुतला। नोएडा में भी देखने को मिला उरी हमले का विरोध, नोएडा स्टेडियम के पास कैंडल मार्च के आयोजन में सैकड़ों लोग हुए शामिल। उरी हमले के शहीदों को कवि गौरव चौहान ने दी अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि, पीएम मोदी को दिया संदेश। महाराजगंज में पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, उरी हमले के विरोध में पाक के खिलाफ की नारेबाजी।
74 दिन बाद पूरे कश्मीर से हटाया गया कर्फ्यू, सिर्फ श्रीनगर डाउनटाउन के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी। श्रीनगर में गृह सचिव राजीव महर्षि और मुख्यमंत्री महबूबा की मुलाकात, आतंकवाद और स्थानीय हालात की ली जानकारी। बीते 73 दिन में आतंकवादी संगठनों से जुड़े घाटी के 60 युवा खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी है। नए भर्ती हुए लड़कों के लिए थानों से हथियार लूट रहे हैं आतंकी, बीते 15 दिन में लूटी गई 10 असॉल्ट राइफल। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 विमान श्रीनगर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की बाल बाल बची जान। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के खिलाफ पुलिस से की गई है शिकायत, त्रिलोकपुरी के विधायक राजू धींगान पर मारपीट और धमकी का आरोप। विधायक ने मारपीट और धमकी के आरोप को बताया झूठ, कहा युवक को सिर्फ समझाया था, थाने में दोनों पक्षों में हुआ समझौता। समाजवादी पार्टी में बढ़ा अमर सिंह का कद, मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को बनाया पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव। अखिलेश ने इशारों में अमर को बताया था बाहरी, आज तक से बातचीत में बोले अमर, अखिलेश पार्टी का भविष्य उनके हर फैसले में साथ। प्रधानमंत्री आवास का नाम 7RCR की जगह 7 एकात्म मार्ग नाम रखने का प्रस्ताव, 22 सितंबर को होगा फैसला। दिल्ली के टैंक रोड इलाके में रेडीमेड कपड़ों के कारोबारी की सरेआम गोली मारकर हत्या, दुकान बंद कर घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली के प्रसाद नगर इलाके में सरेआम फायरिंग कर कार सवार लोगों से 70 लाख रुपए की लूट, निजी लॉकर कंपनी के कर्मचारी थी पीड़ित। दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में चोरों ने स्कूटर की डिक्की तोड़ चुराए 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में सऊदी अरब से आए एक युवक पर घर में घुसकर दर्जन भर बदमाशों ने किया हमला, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से अगवा डॉक्टर विनोद वर्मा और उनके कंपाउंडर को पुलिस ने एटा से छुड़ाया, 7 बदमाश गिरफ्तार, 25 करोड़ की मांगी थी फिरौती। फैजाबाद में एक वकील की उसके ही गांव में पीट पीट कर की गई हत्या, हत्या से नाराज वकीलों ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए लगाया जाम। यूपी के बाराबंकी में पेट्रोल पंप मालिक पर दबंगों ने किया हमला, पेट्रोल भरवाने के बाद नकली नोट देने पर हुआ था विवाद, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। रामपुर में नाबालिग लड़की से 2 युवकों ने किया गैंग रेप, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जालंधर के पॉश मॉडल टाउन इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, डेयरी मालिक की पत्नी और उसके नौकर का लूट के इरादे से किया गया कत्ल। बेतिया में एसएसबी ने 4 महिलाओं से 30 किलो चरस की जब्त, 3 करोड़ मूल्य की चरस नेपाल से दिल्ली लाई जा रही थी। उड़ीसा के ढेंकनाल में बस पर गिरा हाईटेंशन वायर, हादसे में 6 यात्रियों की मौत, 25 घायल। तेलंगाना के महबूब नगर में तेज रफ्तार कार ने एक शख्स को मारी टक्कर, टक्कर के बाद करीब 1 किलोमीटर तक युवक को घसीटता ले गया कार चालक। गुड़गांव के सेक्टर 23 में हुक्का बार पर पुलिस का छापा, 7 हुक्के और 6 किलो निकोटीन बरामद, मैनेजर गिरफ्तार। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट, कई राहगीरों को बंधक बना नकदी और मोबाइल लूटे। जजों के चयन पर सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज याचिका, सरकार और न्यायपालिका का सिलेक्शन में दखल खत्म करने की थी मांग। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, 28 सितंबर तक 3000 के बदले 6000 क्यूसेक पानी रोजाना छोड़े कर्नाटक। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश, तत्काल कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड का हो गठन। मंगलवार को मेतूर बांध से लंबी देरी तक तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया पानी, 12 जून को खोले जाने थे बांध के फाटक। कावेरी जल विवाद पर बैंगलोर प्रशासन चौकन्ना, शहर में लगाई गई धारा 144 पीसीआर वैन से किया गया ऐलान। दिल्ली में एक शख्स ने पत्नी के साथ विवाद के बाद उसे पेट्रोल डालकर लगाई आग, पत्नी की हालत गंभीर, आरोपी पति फरार। यूपी के इलाहाबाद में चोरों ने दिन दहाड़े कार से चुराए 6.5 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात।
आगरा में रेलवे लाइन के किनारे लॉन्चर का हिस्सा मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ते ने लॉन्चर को अपने कब्जे में लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में डीएम आवास के बाहर शवों के साथ प्रदर्शन, पोस्टमार्टम न होने से नाराज थे लोग। हापुड़ में NH-24 पर काली नदी में गिरा ट्रक, ट्रक को निकालने की कोशिशों के चलते NH-24 पर लगा लंबा जाम। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने पंजाब सरकार को चोरों की बताया सरकार, नवजोत कौर ने कहा कि वो जल्द ही इस्तीफा देंगे। आप नेता भगवंत मान ने पंजाब के संगरूर में कई रैलियों में की शिरकत, पंजाब सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा की रागिनी गायक सपना चौधरी ने अपने गाने को लेकर मचे विवाद पर एक बार फिर मांगी माफी, विवाद के बाद सपना ने की थी खुदकुशी की कोशिश। रागिनी में जाति सूचक शब्द को लेकर सपना के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। आम आदमी पार्टी के महिला विधायकों ने मोदी सरकार पर महिला सुरक्षा की अनदेखी का लगाया आरोप, बुराड़ी में हुई वारदात के बाद राष्ट्रपति और गृहमंत्री से मिलने की तैयारी है। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ेंगे बाहुबली शहाबुद्दीन का केस सुप्रीम कोर्ट में, सोमवार को है सुनवाई। तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज अजय कुमार श्रीवास्तव का सीवान कोर्ट से तबादला, 2014 में सुनाई थी सजा। 2017 में नहीं पेश होगा रेल बजट, आम बजट में होगा विलय, 92 साल से चली आ रही रेल बजट की परंपरा होगी खत्म। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी, स्मार्ट बनने की दौड़ में शामिल हुआ वाराणसी, सबसे ज्यादा 5 शहर महाराष्ट्र से। पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के चलते बदला गया सदाए सरहद बस का रूट, जालंधर और लुधियाना से होकर नहीं करेगी लाहौर दिल्ली के बीच यात्रा। डेंगू चिकनगुनिया पर दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार और सिविक एजेंसियों को जारी किया निर्धारण निर्देश, जिस अफसर के इलाके में बीमारी से हो मौत उसी के खिलाफ दर्ज हो केस। जालौन में राहुल की किसान यात्रा में शामिल हुई 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कड़ी धूप के चलते हुई बेहोश, राहुल को अपनी समस्या बताने आई थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। बैतूल में युवक कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में गिरे एडिशनल SP, शहर में समस्याओं को लेकर था कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल के लाजपत राय कॉलोनी में पीपल फॉर एनिमल संस्था के लोगों के साथ बदसलूकी, संस्था के वॉलंटियर्स कुत्तों का रेस्क्यू कराने पहुंचे थे कॉलोनी में। इंदौर में डॉक्टर्स ने बचाई बच्चे की जान, 8 साल की बच्ची के सीने में घुसी सुई निकाली। एक बार फिर लगा संगीतकार प्रीतम पर संगीत चोरी का आरोप, फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के गाने बुलिया और पापा रोश के गाने लास्ट रिजॉर्ट में बेहद समान था। अभिनेत्री जिया खान की मौत को निजी ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया साजिश, मां राबिया खान ने कराई थी जांच। खुद पर बनी डॉक्यूमेंट्री मोस्टली सनी को भारत में रिलीज नहीं कराना चाहती है सनी लियोनी का, इसमें मेरी जिंदगी के बारे में दूसरों की राय ज्यादा। अलग होगी हॉलीवुड की मशहूर जोड़ी एंजेलिना जोली ने ब्रैड पिट से तलाक की अर्जी। जिम कैरी पर लगा अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड कैथरीन व्हाइट को गलत तरीके से दवाओं की आपूर्ति करने का आरोप, व्हाइट के पति का आरोप दवाओं की वजह से हुई मौत। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे बॉलर ईशांत शर्मा, चिकनगुनिया के बाद तबियत में हो रहा सुधार। कानपुर पहुंचने पर न्यूजीलैंड टीम का होटल में भव्य स्वागत, टीम ने साथ मिलकर काटा केक, दौरे पर न्यूजीलैंड 3 टेस्ट और 5 वनडे खेलेगा। 500वें टेस्ट के लिए अब तक नहीं मिला पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी और गुंडप्पा विश्वनाथ को न्योता, 22 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा टेस्ट। कबड्डी वर्ल्ड कप के लिए कपिल देव ने टीम इंडिया की जर्सी का किया अनावरण, 7 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगा टूर्नामेंट। कबड्डी वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को ना बुलाने के सवाल पर भड़के कपिल देव का, भारतीय होकर ये सवाल पूछना नादानी।
बलूच नेता ब्रह्मदाग मुक्ति ने भारत से मांगे शरण। जनेवा में भारत के स्थायी दूत को सौंपे कागजात। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का सीरिया के बशर अल असद सरकार पर गंभीर आरोप। कहा पिछले 5 साल में हुई अधिकतर मौतों के लिए असद सरकार जिम्मेदार। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में हुए बम धमाकों में पुलिस ने अफगान मूल के एक शख्स को हिरासत में लिया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक निहत्थे अश्वेत शख्स टेरेंस कल्चर को बीच सड़क पर पुलिस ने मारी गोली। पुलिस पर रंगभेदी मानसिकता का लगा आरोप। रूस के संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी को बहुमत। 450 सीटों वाले ड्यूमा में 340 से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद।